नमस्कार का फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों के साथ। अब घर बैठे एफआईआर कराएं दर्ज, योगी सरकार ने 20 करोड़ लोगों को दी बड़ी सुविधा। जल्द जारी होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के एडमिट कार्ड, परीक्षा 27 और 28 जनवरी को। लोकसभा चुनाव 2019 SP BSP में नो एंट्री, वेस्टर्न यूपी के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में पूर्व राज्यसभा सदस्य सहित 16 प्रसपा में शामिल। उत्तर प्रदेश PSC में बड़ी मूछें रखने वालों के आएंगे अच्छे दिन, बढ़ा भत्ता। यूपी के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 5 अन्य की हालत गंभीर। प्रवासी भारतीयों से बोले PM मोदी, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर। चुनाव से पहले यूपी का सबसे बड़ा बजट लाएगी योगी सरकार, नई योजनाओं की होगी बौछार। अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी, संसदीय क्षेत्र में सभा को भी करेंगे संबोधित। सपा MLA ने पूछा, स्कूटर पर चलने वाले राम गोपाल कैसे बन गए अरबपति। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक 60 साल के बुजुर्ग ने 3 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश में शराब के लिए नहीं दिए पैसे, पत्नी के कान काट करके निकाले कुंडल। यूपी दिवस पर 16 खिलाड़ियों को मिलेगा उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान। गठबंधन के बाद प्रत्याशी तय करने में जुटी बसपा, लखनऊ से सपा तो मोहन लालगंज से लड़ेगी बसपा। कानपुर में चॉकलेट दिलाने के का झांसा देकर के 6 साल की बच्ची से ज्यादती, 8 घंटे बाद आया होश तो सुनाई आप बीती। अगर EVM ठीक है तो जापान जैसे विकसित देश क्यों नहीं करते इसका इस्तेमाल, पूछा अखिलेश यादव ने। मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद को नहीं बचाया होगा तो दूसरा पाकिस्तान बन जाता, कहा शिवपाल यादव ने। चंद्रबाबू नायडू का लखनऊ दौरा हुआ रद्द, महागठबंधन को लेकर के होनी थी अखिलेश और मायावती से मुलाकात। प्रयागराज कुंभ मेले से योगी सरकार को होगा 1200 अरब रुपए का आमदनी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने खुद कहा काशी का निर्माण काशी विश्वनाथ ने किया। ये थी उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही अहम खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे 20 बड़े न्यूज़ के साथ। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।